वापस जाने से पहले हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अभी नंदन। वड्डा पैप लाला वड्डा। ओए उधर जाके पाई थुकी ओए। आई एम इम्प्रेस्ड। साढ़ा 9 किलो दूध लग गया वो मुतमिन बैठा है। 9 किलो दूध ने चाह पिनी है कि स्नान करा। जी जी सर देखिए मैं कैसी आग लगाती हूँ। जी विजय जी 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 आप देखिएगा देखिएगा कि मैं कितनी जोर से ये खबर पढ़ती हूँ कि उनको। जी सर पिछली दफा भी इसने जोर से खबर पढ़ी थी पूरा स्टूडियो गंदा हो गया। मोटी तू छड़ दे तू देख मैं किस तरह आग लानी। जी जी राहुल सर आप इजी हो जाए आप देखे मैं कैसी आग लगाती हूँ। बस मोदी जी को कह के मेरे पैसे बढ़ा दीजिएगा ये ना हो कि वो चुनाव जीतने के बाद बदीद हो जाए। अपने निर्देशकों के लिए बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज लेके हाजिर हुआ है आपका चबल टीवी। अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान के मशहूर शो सियासी थिएटर में अभिनंदन को बुलाया गया है और उस पे जुगतों की बारिश कर दी गई है और वो आगे से रिएक्ट नहीं कर रहा। ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। मैं क्यों रिएक्ट करना मैं इफ्तिखार ठाकुर मैं जाग ले के आए थे। और निर्देशकों दिल थाम के बैठिएगा अब हमारा चैनल चावल न्यूज आपको दिखाने जा रहा है पाकिस्तान का असल चेहरा। यार ये कितनी आग लगाते हैं यार। इन्होंने आग लाई है तो मैं जज्बात चाहे बॉर्डर क्रॉस करता जी। इतलात है हमारे पास कि पाकिस्तानी जनता हमारे पायलट अभिनंदन की ब्रेन वॉशिंग कर रही है। जी हाँ नाजरीन आपको इतला दी जा रही है कि हमारे पायलट अभिनंदन की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। हमें लग रहा है कि उसको पाकिस्तानी जनता ये गाना सिखा के भेजेगी कि अगला के सानू इश्क दिया वे आप मीठी नींद सोनाए। अगला के सानू इश्क दिया वे आप मीठी नींद सोनाए। ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। ये मैंने न्यूज कास्टर कट ते गड़बी वालियां बहुत लगन डी। अच्छा देखिए जो न्यू फिनोमिना है 65 और 71 में ये इस तरह से नहीं था यानी कि इतने न्यूज चैनल नहीं थे ना वहां थे ना हमारे यहां थे। मगर आप देखिए जो भारतीय न्यूज चैनल्स हैं बेशतर जो भारतीय न्यूज चैनल्स हैं हैरतअंगेज तौर पर उनको आप देखें अगर आप उनकी स्क्रीन देखें उनकी प्रोग्रामिंग देखें तो आपको बाकायदा कोई प्रोग्राम शायद ही चंद एक जो चैनल्स हैं वहां तो आपको ठहराव नजर आ रहा है वरना बेशतर जो चैनल्स हैं वो बाकायदा आग उगल रहे हैं। आप उनकी स्क्रीन देखें उनके प्रोग्राम्स देखें उनके टाइटल्स देखें शायद ही कोई प्रोग्राम ऐसा हो शायद ही कोई टाइटल ऐसा हो जिसमें फायर का इफेक्ट ना यूज किया गया हो और उससे भी ज्यादा आग जो है वो खुद इनके एंकर्स उगलते हैं। तुसी की समझते हो कि मैं अपने किसी कमांडर के कहने पे बॉर्डर क्रॉस किया फिर एंकर ने रौला पाया सी कुछ कर नहीं रहे कुछ कर नहीं रहे कुछ कर नहीं रहे। मैं फ्लाई कर गया आलो कर लिया जो मैं वो। देखो शाही उन्होंने गल्लां च भी लाया एक चाह का सिप नहीं भुलन दिया। शाह जी अभिनंदन सही कह रहे हैं इन्हां दे एंकरां ने ते मीडिया ने इन्नी अग लाई जी जी लगता है इहदी पूछन नूं अग लाती बॉर्डर क्रॉस कराया और तुहाडे लोग ये समझ रहे सन कि मैं हादसाती तौर ते छप्पड़ च डिगया। क्या मतलब वो मेरी पूछन नूं अग लगी सी मैं ते बचाउण वास्ते छप्पड़ च बड़िया। ये चाह पींदा कि खराटे मारदा। मैं इसे लिए चाह पी भी जानने कि मैनूं पूछण ही ना किस मिशन पे आयो किस मिशन पे आयो। जी जी अजय साहब जी अजय साहब आप बेफिक्र जी मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि आप सोच नहीं सकते। राहुल सर अगर आपने आग लगाने वाली सारी खबरें इस मोटी से पढ़ानी थी तो मैं चली जाऊं यहाँ से। मैं बता रही हूँ नो सर नो नो एक्सक्यूजेस मैं बालाजी का सोप करने चली जाऊंगी। सास भी कभी बहू थी यू नो अभी तक मेरे वाला कैरेक्टर उन्होंने किसी लड़की को नहीं दिया। इट्स ओके सर मैं पढ़ रही हूँ अब इसको अगेन दोबारा कोई खबर नहीं देनी है प्लीज। जी व्यूअर्स आपके लिए गर्मा गर्म खबर। व्यूअर्स ये घर से पाव भाजी लेके आई है गर्मा गर्म खबर आपको मैं दूंगी। एक्सक्लूसिव खबर देने जा रहे हैं आपको चावल न्यूज नेटवर्क से। हम दिखाने जा रहे हैं आपको पाकिस्तान का असल चेहरा। अभी अभी खबर आई है कि अभिनंदन की बॉडी पे ऐसे कीमियाई तजर्बे किए गए हैं कि अभिनंदन के दुम निकल आई है। ओ यन्नी दिए दुम नहीं है इन्होंने जो मिसाइल मारिया सी ओए लमकंडिया।
अच्छा आप देखें कि हमारे मीडिया का रवैया और भारतीय मीडिया का रवैया, और मुझे हैरत होती है क्योंकि जब हम मीडिया की बात करते हैं, जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, सहाफत की बात करते हैं, अखबार या चैनल से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं, तो पहला तासुर ये आता है कि ये हिस्ट्री से जुड़े हुए लोग होंगे, ये लिटरेचर से जुड़े हुए लोग होंगे। दुनिया कैसे मूव करती है, जंग, जंग के असरात क्या होते हैं, चाहे आप कितनी बड़ी ताकत ही क्यों ना हो, आप अमेरिका जैसी मिलिट्री पावर भी क्यों ना हो, मगर जब आप जंग में जाते हैं तो आपकी पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाती है। तो मीडिया से पूरी दुनिया में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मीडिया के जो लोग होंगे, मीडिया से जो जुड़े लोग होंगे, वो शऊर की बात करेंगे, अक्ल की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे, खैर की बात करेंगे, आग बुझाने की बात करेंगे, मगर इंडियन मीडिया जो है वो हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की बात कर रहा है पूरे खित्ते में। तानू पैसे मिले और मैं देखा तुसी किस तरह मीठा मीठा बोल दे हो, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। ये बोल दे मीठे मीठे ने मिसाइल ठीक जगह पे मार देना। अच्छा देखें, यानी कि एक होता है गलत खबर देना, यानी कि हमने देखा इस पूरे अरसे में, लाजिम बात है हम सभी वॉच कर रहे हैं इंडियन मीडिया को, गलत खबर देना एक चीज है, उसके बाद है उकसाना बाकायदा, जैसे हमारे यहां कहते हैं ना फप्पे कुटनियां होती है ना, उकसाती हैं कि कुछ किया नहीं, कब करोगे, बर्बाद कर दो, आग लगा दो, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, उकसा रहे हैं, जंग का ड्रम जो है वो बजाए चले जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि फिर अवाम का प्रेशर जो है वो आता है सियासतदानों पर, जो भी उनकी इंतजामिया है, और फिर उसके असरात जो हैं वो हमें खित्ते में देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही अहम किरदार जो है आग लगाने में, खित्ते को यहां तक पहुंचाने में एक बहुत अहम किरदार जो है वो इंडियन मीडिया ने भी अदा किया है। दर्शकों, ये बज़ाहिर मासूम दिखने वाला शायर जो हमारे मीडिया पे तनकीद कर रहा है, जो हमें कह रहा है कि हम आग लगा देते हैं, इसने, इसकी शायरी ने जो भारतीय नारियों के दिलों में अग्नि लगाई है, उस पे पानी कौन डालेगा। और इसी पे मुझे इसी शख्स का एक शेर याद आ गया कि मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, मैं कैसे सर्द हाथों से तुम्हारे गाल छूता था, दिसंबर में तुम्हें मेरी शरारत याद आएगी, ये है पाकिस्तान का असल चेहरा। और नाज़रीन आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान ने गुड जेस्चर शो किया है, अमन की खातिर शो किया है, और यकीनन सारे इदारे एक पेज पे होंगे तभी ये मुमकिन हुआ है। उसको भारतीय मीडिया जो है इसको पाकिस्तान की कमजोरी बनाकर पेश कर रहा है, अमन की इस ख्वाहिश को भी, अमन के इस जेस्चर को भी पाकिस्तान की कमजोरी बनाकर पेश कर रहा है। हालांकि सीधी सी बात है कि 3 साल से कुलभूषण यहां है, अगर इतने ही प्रेशर लेने वाले होते तो कुलभूषण कब का यहां से जा चुका होता। बहरहाल छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरले में, आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है, हमारे साथ मौजूद है अभी नंदन और हमारे साथ इंडियन मीडिया के भी कुछ लोग मौजूद हैं। ये जो उकसाने वाली मैं आपको बात कर रहा था, मिसाल के तौर पर भारत ने जो किया, फिर वो उन्होंने हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की, हमने जो किया, पहले वो झूठ बोलते रहे, उनका मीडिया भी झूठ बोलता रहा, हालांकि सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका था सब कुछ, मगर भारतीय मीडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, अपने लोगों को हकीकत नहीं दिखाई, एक बात। उसके बाद जब सरकारी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, फिर लाजिम बात है कि सिफारती मामला जो है चले। यार आप अंदाजा करें, जिन्हें थोड़े जहाज डाले ने जहाज गिरा लिया है, उसके बाद कौन सा डर रह गया, कौन सा खौफ रह गया, पहले भी नहीं था, तो जिसको खौफ होता है वो जहाज और पायलट गिराता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि कहीं सिफारतकारी हुई है, कहीं लाजमी बात है कि कुछ गारंटीज जो हैं इस खित्ते के हवाले से ली और दी गई हैं, जिसकी बिना पर ये फैसला जो है वो सामने आया कि ठीक है जी अभी नंदन को वापस कर दिया जाए। अब भारतीय मीडिया का फर्ज क्या बनता है, ये फर्ज बनता है कि अपने लोगों को बताएं कि खित्ता जो जंग की तरफ जा रहा था, तो अब सिफारतकारी जो है अब उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं, और उसके नतीजे में अभी जो है वो वापस आ रहा है। हमारे इमरान खान साहब ने तो साफ कहा कि भाई आपको जो गिले शिकवे हैं, आपके पास अगर कोई सबूत है आप हमें सबूत दें, हम उसके बाद उन सबूत का मुआयना करेंगे, फिर देखने के बाद उस हवाले से बात करेंगे। मतलब जो आपका गिला है उसको एड्रेस किया जा रहा है ना, तो जब एड्रेस किया जा रहा है तो जंग की जरूरत क्या है। मगर आप अंदाजा करें कि जितना भारतीय मीडिया है 90% उसने अभी के जाने को यह कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, और जनाब पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान को मजबूर कर दिया गया, और अगेन कुछ मीडिया यही कह रहा है कि अभी भी सबक सिखाओ इन्हें। तो बात यह है कि उकसाए जा रहे हैं, अपने यहां आग लगाए जा रहे हैं, पता नहीं किस किस्म के दानिश्वर हैं, कैसे
وہاں کے صحافی ہیں، کیسا سو کالڈ پڑھا لکھا میڈیا ہے جو اپنے لوگوں کو بھی اور اس پورے خطے کو جنگ زدہ دیکھنا چاہتا ہے، جو لاشیں دیکھنا چاہتا ہے، جو خون دیکھنا چاہتا ہے، حیرت ہوتی ہے مجھے۔ چلے پاکستان سے تو نفرت صحیح، اپنے لوگوں سے بھی محبت نہیں ہے یار انہیں، اگر محبت ہو تو کون اپنے لوگوں کو جنگ میں دھکیلنا چاہے گا؟ مودی آنندی بابا سوری سر پلیز پیسے مت کاٹیے گا، منہ سے نکل، یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، کچھ بھی منہ سے نکلوا لیتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا ابھی یہ بتائیے کہ کیا سوچ کے آئے تھے آپ پاکستان؟ ایک سپ لے لو سر، سینئر زلونا مینوں مس گائیڈ کیتا گیا سی۔ اچھا انہوں نے مینو کیا کہ پہلو می دو پائلٹ گئے نے، وہ جو پرسوں شام آئے تھے، جی 350-400 بندہ مار کے گئے نے۔ ہاں جی وہ کہندے تسی بھی جاؤ، تے میں تے نکلیا، میں بارڈر کراس کیتا، تو میں کہا میں ایک منٹ چ آیا کو 8-10 ٹکانے انہاں دے تباہ کر کے۔ سر میں ایل او سی کراس کیتا تے مینوں انہوں نے انگیج کر لیا، 3-4 تیارے مینوں انج پے گئے نے جویں شاہین چڑی نوں پیندا، پچھوں مزائل گولیاں، میری تے تاں چک دو چھتر بھی وجے نے، میں کہا کیڑا تیارا جڑا چھتر سٹن دیا، مزائل نال تے میں نہیں سا ڈگدا پیا، مزائل نال جہاز ہی ڈگ گیا، میں چھتر نال ڈگ گیا جی۔ معافی چاہنا، چاہ مزیدار ہے۔ پھر میں چھپڑ چ ڈگیا جی، تھون پر نہیں ڈگیا، میں سچ بولنا ہوں گا، میں دیکھو میں تہاڈے چینل تے آیا وا، میں جھوٹ نہیں بولاں گا، مینوں اوتھے آ کے پبلک نے سدیاں کیتا، سدے دا مطلب اے نہیں کہ چنگی طرح سدیاں کیتا، وہ تو پھر تہاڈی آرمی آئی ہے، مینوں بڑی مشکل، انہوں نے باقاعدہ موب سے آپ کو بچایا۔ ہاں جی مینوں بچایا، انہوں نے موب تو بھی بچایا، مینوں موت تو بھی بچایا۔ تہاڈے بزرگ جڑے نے انہوں کا پتا نہیں کیوں ہاتھ پا رہا، اور تہاڈی جڑی آرمی ہے وہ تھورو جینڈر مین ہے۔ اچھا چائے بہت پسند آئی آپ کو ابھی؟ جی مینوں چاہ بہت، اتنے چاہ بڑی مزدار بنتی ہے جی، مینوں یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ کچھ ہے بھائی۔ جی راہل سر آپ ایزی ہو جائیں، آپ دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں، کیسی آگ لگاتی ہوں سر، 4 گھر طلاق کروا چکی ہوں سر، ایزی ہو جائیں۔ درشکوں کو بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے ہمارے چینل چاول نیوز سے کہ جس طرح کی چائے ہمارے پائلٹ ابھینندن کو پاکستان آرمی نے پلائی، وہی چائے، جی ہاں درشکوں، وہی چائے پاکستان میں سیاسی تھیٹر میں اس کو پلائی گئی جو کہ بالکل پھیکی ہے۔ جی ہاں درشکو، یہ وہ دیش ہے، جی ہاں یہ وہ دیش ہے پاکستان کہ ان کے ہاں جاؤ تو جھکتے میٹھی، باتیں میٹھی اور چائے پھیکی۔ اے ہو جی چاہ تے میں ساری زندگی نہیں پیتی، جنوں تو پھیکی کہن دئی۔ شاہ جی ابھینندن جی میں چاہ پین دے ہے، انج ساڈے بازاراں دے وچ اگلے تھان پاڑ دینے۔ دیکھو درشکو، یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ، ابھینندن کو پھیکی چائے پیش کرنے والوں، آپ تم ٹماٹر کو نہیں میٹھی چائے کو بھی ترسو گے۔ نہیں نیپال چ پتی توڑن والیے، مینوں اپنے دیش آ لین دے، ویکھ متری تھون کیویں بندا، وہ ہجے میں واپس آیا نہیں، یہ نہ ہوے تیرے اگ لاؤن دی وجہ تو انہاں دا فیصلہ چینج ہو جائے تے میں ایتھے گوڈی کرن ڈیا ہوں۔ تے میں تے یہ بھی سنیا کہ ایتھوں دا وزیر اعظم یو ٹرن بھی لے لینا ہوں گا، یہ نہ ہوئے باقی تو واپس بلا لیں۔